जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको कहा कि हम एक ग्राफ के थ्रू एक फार्मूला ड्रॉ करेंगे किसी भी फंक्शन का एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड करने का, तो इसमें हम वो फार्मूला ड्रॉ करने जा रहे हैं। लेट से मेरे पास कोई भी फंक्शन है वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स, ठीक है, कोई भी फंक्शन है वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, और मैंने उसका जो ग्राफ है वो ड्रॉ किया। लेट से उस फंक्शन का, मतलब जो फंक्शन मैंने पिक किया है उसका ग्राफ कुछ इस तरह से मेरे पास आ जाता है, ठीक है। लेट से ये मेरे पास उसका ग्राफ है, ठीक है, ये जो ग्राफ है हमारे पास, ये मैं कहता हूं कि ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई, मतलब ये जो फंक्शन मैंने कंसिडर किया है ये उसका ग्राफ है। अच्छा, इस फंक्शन पे ना मैं कोई एक पॉइंट लेता हूं पी, लेट से ये जो पॉइंट है मेरे पास ये पी है, ये x हो गया एंड ये y हो गया, ठीक है, कोई भी पॉइंट होगा को उसको ऑर्डर पेयर में लिखा जा सकता है। अच्छा, यहां से मैं ये थोड़ा सा डिस्टेंस, मतलब इसका मतलब हम x और y को यहाँ शो करेंगे, ठीक है। आपको स्टूडेंट यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है, लेट से ये हमारे पास क्या है x है, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है वो क्या है एक्स है हमारे पास। मैं यहां पर एरो से भी इसको शो कर देता हूं कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये एक्स है, और ये जो डिस्टेंस है हमारे पास इसको वाई कंसिडर कर लेते हैं यहां तक, और इधर से ये नीचे हमारे पास क्या है ये वाई डिस्टेंस है, ठीक है। तो इसलिए ये जो पॉइंट होगा ये हमारे पास एक्स और वाई आएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ना इस एक्स की वैल्यू में कुछ चेंज लाएंगे, मतलब इसमें कुछ चीज ऐड करेंगे, इंक्रीमेंट इसमें हम पुट करेंगे लेट से, ठीक है। तो अगर लेट से मैं इसको यहां तक एक्सटेंड कर देता हूं, मतलब जो एक्स की वैल्यू है यहां तक एक्सटेंड कर दी मैंने, मतलब देखें पहले एक्स क्या था ये था, अब मैंने उसमें थोड़ा सा चेंज इंक्रीमेंट इसमें डाला मैंने, मतलब ये आप कह सकते हैं कि ये डेल्टा एक्स चेंज है। देखिए चेंज, देखिए ये एक्स है तो ये क्या है डेल्टा एक्स, मतलब चेंज इन एक्स, ठीक है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहां तक जो डिस्टेंस है ना यहां से लेकर ये मेरे पास अब आ गया डेल्टा एक्स हो गया, ये क्या हो गया डेल्टा एक्स हो गया। अच्छा, तो अब ये जो टोटल नीचे डिस्टेंस आपको नजर आ रहा है, ये टोटल अब जो डिस्टेंस है मैं आपको ये बता देता हूं कि जो टोटल डिस्टेंस होगा ये कितना होगा, लेट से यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है ये वाला, ये हमारे पास अब ये जो टोटल डिस्टेंस है ये कितना होगा मैं वो लिखूंगा, यहां से लेकर यहां तक अब ये जो डिस्टेंस है ना ये टोटल जो डिस्टेंस होगा ये हमारे पास इक्वल आएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स की इक्वल आएगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स की इक्वल आएगा, ठीक है। अब जब एक्स में हमने चेंज लाया तो डेफिनेटली वाई में भी देख सकते हैं, वाई में भी चेंज आया, तो वाई में भी जो चेंज आएगा वो हम इधर से शो कर देते हैं, ये आप इसको इस तरह से एक्सटेंड करेंगे, तो यहां से ये जो डिस्टेंस होगा ना ये फिर चेंज इन वाई आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा चेंज इन वाई आ जाएगा, मतलब यहां से यहां तक और यहां से यहां तक ये जो होगा ये आपके पास क्या आ जाएगा चेंज इन वाई आ जाएगा। उसी तरह हम इसको जो टोटल अगर डिस्टेंस मेजर करें, लेट से यहां से लेकर यहां तक जो हमारे पास डिस्टेंस होगा यहां तक, अब ये किसकी इक्वल आएगा, ये आएगा हमारे पास वाई प्लस डेल्टा वाई की इक्वल आएगा, ठीक है, जैसे ये y प्लस डेल्टा वाई आएगा, ठीक है। जब x में चेंज आया तो डेल्टा x हो गया, तो पूरी जो लाइन है वो x प्लस डेल्टा x हो जाएगी, यहां से यहां तक y था, जब इसमें हमने चेंज लाया इंक्रीमेंट इसमें डाला तो वो डेल्टा y है, डेल्टा y से मतलब चेंज इन वेरिएबल y, ठीक है। तो ये जो टोटल जो लेंथ होगी वो क्या आ जाएगी वाई प्लस डेल्टा वाई आ जाएगी, ठीक है। और इस जो पॉइंट है ना ये जो पॉइंट है इसको मैं क्यू कहूंगा, इसको मैं क्या कहूंगा क्यू कहूंगा, ठीक है। अच्छा, अब यहां से देखें ये जो पॉइंट होगा ना ये इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो आएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और जो वाई वाला होगा वो आएगा वाई प्लस डेल्टा वाई आएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं ये जो लेंथ है ये एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, और ये जो लेंथ है ये है वाई प्लस डेल्टा वाई, तो ये जो पॉइंट होगा ये एक्स प्लस डेल्टा एक्स आएगा, और वाई जो है जो वाई कोऑर्डिनेट है वो आएगा वाई प्लस डेल्टा वाई आएगा, क्लियर होगी बात। अच्छा, अब यहां से हमने क्या करना है कि पी भी हमने लिख लिया, पॉइंट जो पी है वो हम दोबारा लिख देते हैं, यहाँ पर जो पॉइंट पी है पी हमारे पास है एक्स वाई, और क्यू जो है वो है एक्स प्लस डेल्टा एक्स एंड वाई प्लस डेल्टा वाई, ठीक है। दो जो पॉइंट है ये हमने क्या कर देना है शो करने हैं कि ये देखें आप पी ये है और क्यू जो है वो वाला हमारे पास पॉइंट आएगा, ठीक है। अब यहां पर हम लिखेंगे कि इफ इफ
फंक्शन वैल्यू, इफ द फंक्शन वैल्यू, इफ द फंक्शन वैल्यू एट पी एट पॉइंट एक्स वाई इज y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, अगर फंक्शन की वैल्यू एक्स वाई पर y इज इक्वल्स टू एफ एक्स है, जैसे हमने लिखा हुआ है ना शुरू में, देखा ना ये पॉइंट है हमारे, ये सॉरी ग्राफ ऑफ द फंक्शन है, तो हमने उसमें लिखा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू y, क्योंकि y इज इक्वल टू एफ एक्स था। तो अगर पॉइंट एक्स वाई पर फंक्शन की वैल्यू ये आ रही है, तो उसी तरह हमारे पास देन देन द फंक्शन वैल्यू एट पॉइंट क्यू, देन द फंक्शन वैल्यू, देन द फंक्शन वैल्यू एट पॉइंट क्यू, क्यू क्या है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई इज, कि फंक्शन की वैल्यू उसमें क्या चाहिए, देखे ना जब पॉइंट हमारे पास एक्स वाई था तो वाई इज इक्वल टू एफ एक्स था, जब पॉइंट एक्स प्लस डेल्टा एक्स होगा, ठीक है, मतलब जब पॉइंट ये होगा तो फिर उस केस में हमारे पास आएगा वाई की जगह वाई प्लस डेल्टा वाई आ जाएगा, और एक्स की जगह हमारे पास एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपने जहन में रखनी है, ठीक है, और इसको हम क्या कर देते हैं, इक्वेशन से शो कर देते हैं दोनों को कि वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसको मैं इक्वेशन से शो करता हूं, लेट से मैं इसको वन कहता हूं, ये किस पे है, ये किस पॉइंट पर है, एट पॉइंट पी एक्स वाई, और जो दूसरा है वाई प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इसको हम टू से शो कर देते हैं, ये टू हो गया, वेन पॉइंट क्या होगा, एट क्यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई, ठीक है। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी। अच्छा, अब हमने करना ये है कि सिंपल अगर इसको देखें ना आप, तो ये हमारे पास अगर मैं इन दोनों पॉइंट के, तो हमने ग्राफ में से ना दो पॉइंट ले लिए थे, अब अगर इन दोनों को ना हम ज्वाइन कर दें, लेट से ये जो दोनों पॉइंट्स है इनको मैं ज्वाइन कर दूं, तो इस पी और क्यू को ज्वाइन करने से हमारे पास एक सीकेंट लाइन आ जाएगी, क्या आ जाएगी, एक सीकेंट लाइन आएगी, ठीक है। तो सीकेंट लाइन क्या होती है कि जो किसी भी कर्व को, तो ये क्या आ जाएगा, सीकेंट लाइन पी क्यू, सीकेंट पी क्यू आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी कर्व को अगर कोई लाइन दो जगह से कट करे या इंटरसेक्ट करे, हम उस लाइन को क्या कहेंगे, सीकेंट लाइन कहेंगे। तो अगर पी और क्यू से हम पी और क्यू को हम ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास एक सीकेंट लाइन आ जाएगी। तो नेक्स्ट जो है वो हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।